उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ पंजाब में भी चुनाव है और सियासी तनाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बड़ा कार्ड चला है। चन्नी ने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया है। सीएम चन्नी ने ऐलान किया है कि 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को इसका फायदा होगा। करीब 1.5 लाख किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा। पंजाब सरकार ने 2 लाख तक दे 5 एकड़ तक वाले किसानों के कर्जे जिहड़े आ उह माफ करन दा ऐलान कीता सी। उहदे विच लगभग 1.5 लाख किसानों का कर्जा अजे माफ नहीं होया। ते नाल नाल जिहड़ा लैंड मॉर्गेज बैंक है, जिहड़ा कि किसान ज़्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक तो कर्जा लेंदे हैं, वह भी ये रह गया सी। 2 एकड़ 5 एकड़ तक के 2 लाख तक के कर्जे जिहड़े वह माफ नहीं सी होए। सो कल किसान यूनियन ने भी मिलिया सी, पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 2 लाख तक के कर्जे जिन्हां किसानों के बकाया रह गए हैं, जिहड़े कि हुण शायद 2 लाख परिवार बन जाएंगे, उन्हां दा ये टोटल 2 लाख तक का कर्जा जिहड़ा क्रॉप लोन है वह माफ किया जाएगा। जिहड़ी पहली स्कीम है उस स्कीम के तहत जिहड़े बाकी रह गए है तो लैंड मॉर्गेज बैंक के जिहड़े कर्जे है वह असी माफ़ कर जा रहे हैं। अगले 10 दिनों के असी ये पैसे किसानों के खातों के पा देवे 10 से 15 दिनों के। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा इस खबर पर जुड़ गए। पुनीत, ये चन्नी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, भले ही दिल्ली से किसान आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी पंजाब में कुछ आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठे हैं और इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लिया। देखिए मीनाक्षी, जाहिर तौर पर अभी भी पंजाब के अंदर काफी किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, काफी ट्रेनें रद्द हुई हैं। भले ही दिल्ली में धरना खत्म हो गया हो, लेकिन पंजाब सरकार के लिए अभी भी ये गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में अभी भी ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं और काफी अभी भी किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री चन्नी ये अच्छी तरह से जानते हैं और कल बाकायदा किसानों के साथ जो मीटिंग भी हुई थी उसमें भी किसान के जो जत्थेबंदे यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने फैसला लिया था। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं अब किसानों को, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, समस्या ये है कि ऐसा नहीं है कि ये ऐलान केवल चन्नी ने किया। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब भी ऐलान हुआ था, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, वो केवल ऐलान तक रह गया। अब देखना ये होगा कि ये केवल एक ऐलान है या फिर कर्ज माफी वाकई में होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।